रहे हैं द नगरी न्यूज। आप सोच रहे होंगे कि आज शेख जोया कहाँ आ गई। वैसे तो हमसे स्टूडियो से ही मिलती है, स्टूडियो से हमें काफी सारी जानकारी देती है, लेकिन तो आज मैं आपको बताती हूँ छोटी काशी कहे जाने वाले जयपुर में। हम जयपुर के एक बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर में हम मौजूद हैं, जिसका नाम है झारखंड महादेव मंदिर। अभी एक सुनने में ना बहुत अजीब लगता है कि मंदिर है जयपुर में लेकिन इसका नाम झारखंड महादेव मंदिर क्यों है। इसके लिए हम जानेंगे मेरे सहयोगी अभिजीत से कि मंदिर का नाम झारखंड महादेव मंदिर क्यों है जयपुर में होते हुए। देखिए जोया, भारत विविधताओं का देश है और इसके अंदर हमें देखने को मिलते हैं अलग अलग तरह के कल्चर। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ की, तो आज हम आपको बताएंगे कि आज हम यहाँ पे एक गंगा जमुनी तहजीब हमें देखने को मिलती है कि शेख जोया झारखंड महादेव यानी महादेव के मंदिर की कवरेज कर रही है। तो ये कि अपने आप में बहुत बड़ी बात है और एक ये मैसेज जाता है गंगा जमुनी तहजीब का। अब आपका सवाल था कि इस मंदिर का नाम झारखंड क्यों है, तो आपको बता दें कि झारखंड का मतलब झारखंड से नहीं है, इसका मतलब है यहाँ पे झाड़ियों से। कि जब ये शिवलिंग जब यहाँ पे एक गोविंद बाबा नाम के तपस्वी को प्राप्त हुआ था, मिला था, तब यहाँ पे झाड़ियों के पेड़ हुआ करते थे, इसलिए इस मंदिर का नाम तब से झारखंड हुआ। और बहुत ही पुराना इतिहास है, लगभग 118 साल पुराना इस मंदिर का इतिहास है। तो इस मंदिर के अंदर आप देख सकते हैं कि श्रद्धालुओं की बहुत ज्यादा तादाद में भीड़ होती है, तो हम अंदर से इस मंदिर को दिखाने की प्रयास। चलिए, आपको बता दिया है अभिजीत ने कि क्यों इसका नाम जयपुर में होते हुए झारखंड महादेव मंदिर। अब आपको सीधा ले चलते हैं मंदिर के अंदर। तो हम आ गए सीधे झारखंड महादेव मंदिर के अंदर, जो भक्तों का एक सैलाब, जन सैलाब सा उमड़ रहा है। तो चलिए भक्तों से बात करने की हम कोशिश करते हैं। मानसरोवर कब से आ रहे हैं? यहाँ तो सालों हुए। आप कहाँ से हैं? सोडाला से। आप कहाँ से हैं? कुछ लोग बात भी नहीं करना चाह रहे हैं, और भी हम लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। भैया आप कहाँ से हैं? बूंदी से। कब से आ रहे हैं? रेगुलर आ रहे हैं। हमको ऐसी मान्यता इस मंदिर की कि यहाँ से जो भी मांगते मिल जाते हैं, तो आपकी ऐसी कोई मन्नत है जो पूरी हुई है? मन्नत तो पूरी होती है। और भी लोगों से हम बात करने की कोशिश करते हैं। भैया आप कहाँ से आए? मैं जयपुर से हूँ। कब से आ रहे हैं यहाँ पे? मैं पहली बार आया हूँ अभी। भैया आप कहाँ से आए? यहीं से। व्यवस्था के बारे में, किस तरह की व्यवस्था है, क्या कुछ है? ये अभी सुबह 4:30 बजे से लेके शाम 4 बजे से कंटिन्यू जल चढ़ेगा, उसके पश्चात बाबा भोलेनाथ का भव्य श्रृंगार किया जाएगा। और भी हम भक्तों से बात करने की कोशिश करते हैं। भैया कहाँ से आए हैं? वैशाली। इस मंदिर की मान्यता है कि यहाँ पे जो भी मांगते हैं वो मिल जाता है। कई लोग बोलते हैं बिन मांगे भी मिल जाता है जो दिल में होता है, तो आपकी ऐसी कोई मन्नत है जो पूरी हुई है? हाँ, एक हुई है। क्या हुई है बता। चलिए और लोगों से भी हम बात करने की कोशिश करते हैं। अंकल आप कहाँ से आए? मैं जयपुर वैशाली नगर से हूँ। कब से आ रहे हैं यहाँ पे? यहाँ पे तो रेगुलर आते हैं, पिछले हाँ डेली आते हैं यहाँ पे। आपकी ऐसी कोई मन्नत है जो यहाँ पूरी हुई है? मन्नत है तो ये तो बाबा है, सबको सब कुछ देता है, मन्नत तो कुछ मांगते ही नहीं है, सब अपने। कहा जाते हैं कि जो लोग यहाँ आना शुरू कर देते हैं वो यहाँ आना छोड़ नहीं पाते बाबा। बिल्कुल। यहाँ पे जो इतनी पॉजिटिव वाइब्रेशंस आती हैं, यहाँ पे आने के बाद आदमी सारे अपने टेंशन गम सारे भूल जाता है और वहाँ बाबा के शरण में आके बैठने का मन करता है और यहाँ से उठने का मन नहीं करता है। थैंक यू। नहीं सर, रामनगर सौड़ाला पास में ही। 2-3 साल से आ रहा हूँ लगातार। 2-3 साल से आ रहा है। अच्छा, इस मंदिर का इतिहास भी आपको पता है? क्या इतिहास है? इतिहास तो इतना नहीं पता, लेकिन यहाँ मान्यता है काफी, विश पूरी हो जाती है यहाँ आने से। हाँ, ये जब भी आ रहा हूँ अभी। तो यहाँ भक्तों का कहना है कि जो यहाँ एक बार आने लग जाते हैं, बाबा उसको अपने आप से महादेव ऐसा जोड़ लेते हैं कि वो यहाँ आना छोड़ नहीं सकते। यहाँ के बहुत ज्यादा सुकून मिलता है, सुख खुशियाँ मिलती है। तो और भी लोगों से हम बात करते हैं। अंकल आप कब से आ रहे हैं? मेरे को 40 साल हो गए आते हैं। 40 साल हो गए? तो 40 साल से आप आए हैं। आपकी भी कोई मन्नत है यहाँ जो बहुत से पूरी? बाबा अपना आप कर देता हूँ। मैंने बिन मांगे कर देते हैं। कोई कहानी कुछ कारण है जो आप यहाँ 40 साल से आ रहे हैं? शुरू से यहाँ गोट वगैरह होती थी, पुराने टाइम पे गोट वगैरह होते थे, बैठते थे बड़े बड़े सेठ वगैरह। ना इतना तो पुराना याद नहीं है बाबू। शिवलिंग की एक और बात है कि ये स्थापित ये यही थी। हाँ, 40 साल से।
अंकल से हमने बात की, जो कह रहे हैं कि वो यहाँ 40 साल से रेगुलर आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे पहले गोट वगैरह भी हुआ करती थी। और भी लोगों से हम जानने की कोशिश करते हैं, आप कब से आ रहे हैं? फर्स्ट डे ये। कुछ लोग अभी नया आना भी शुरू किए हैं। अंकल आप कब से आ रहे हैं? एक साल हो गया मैडम। रेगुलर हर संडे को, हर संडे आए हम। मैं सांगानेर से। अच्छा, इस मंदिर की मान्यता है कि यहाँ पे हर एक मुराद, हर एक वो पूरी होती है? हम बिल्कुल हुई है। आप अच्छे, इस मंदिर का इतिहास भी है वो जानते हैं आप? इसके बारे में इतिहास नहीं। तो यहाँ लोगों का कहना है कि यहाँ जो भी लोग आते हैं उनकी मान्यता पूरी होती है, बिन मांगे महादेव उनको सब कह देते हैं। और कहते हैं ना, महादेव के दरबार में आके दुनिया बदल जाती है, रहमत से हाथों की लकीरें बदल जाती है। जो भी महादेव का जिक्र करे दिल से, उसकी एक पल में जिंदगी बदल जाती है। तो महादेव देवों के देव है, शायद इसी वजह से यहाँ पूरे साल भक्तों का मेला लगा होता है। सावन के महीने में खास तौर पर भक्त यहाँ भारी तादाद में आते हैं। अभी भी आप देख सकते हैं कि भक्तों की लाइन लगी हुई है यहाँ पर। यहाँ महादेव के जय जयकारे कर रहे हैं भक्त, यहाँ पे लंबी लाइनों में महादेव के भक्त मौजूद हैं। अभी मैं जहाँ खड़ी हूँ, आप मेरे पीछे देखेंगे कि एक नंदी जी की बहुत बड़ी प्रतिमा है, जो विश्व की सबसे बड़ी प्रतिमा मानी जाती है, जिसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज किया गया है। तो यहाँ मौजूद है जिनसे हम पूछे इस प्रतिमा के बारे में। तो सर, ये प्रतिमा विश्व की सबसे बड़ी प्रतिमा मानी जाती है, जो ये झारखंड मंदिर दक्षिण शैली में बना हुआ है ये मंदिर। इसके अलावा यहाँ जो नंदी जी हैं विराजमान, वो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में नेम बुक है। और उसके अलावा यहाँ दूर दूर से भक्त जो भी आते हैं उनकी मुराद पूरी होती है। और ये बहुत ही अच्छी बात है कि हर सोमवार को यहाँ पे वैसे भी आधे दिन भीड़ रहता है वैसे, और इसके अलावा श्रावण के सोमवार में कुछ बाहर से भी आते हैं दर्शनार्थी, और यहाँ पर भक्त मंडल के द्वारा ये और पुलिस प्रशासन के द्वारा सारा सहयोग करके एक तरह से पूरा करते हैं हम ये काम। अच्छा, सावन में इस बार एक और बात बहुत अलग है। इस बार पूरे 72 साल बाद ऐसा हो रहा है कि एक साथ दुर्लभ संयोग हो रहा है कि सावन सोमवार को ही शुरू हो रहा है और सावन सोमवार को ही खत्म हो रहा है। यहाँ पे भक्त मौजूद हैं जिनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे जो नंदी जी की प्रतिमा है, इसके बारे में कुछ बताएंगे? ये गिनीज बुक में बहुत, आज के टाइम पे बहुत अच्छी बनी हुई है प्रतिमा, बहुत अच्छी लगती है, झारखंड की शोभा बढ़ा रखी है बाबा के। पहला सोमवार है, भक्त भारी तादाद में आ रहे हैं, महादेव के भक्त यहाँ, उसके बारे में भी कुछ बताएंगे? आज सभी महादेव को बहुत अच्छा मानते हैं और इनके लिए पूजने के लिए, इनकी सेवा करने के लिए आज आतुर रहते हैं सभी लोग, क्योंकि साल में एक बार ये एक सोमवार आते हैं तो इनके लिए सभी लोग तैयार रहते हैं। और आज के दिन प्रसादी बनती है, भांग की प्रसादी बनती है उस साइड में, पीछे की साइड में, वो 3 बजे करीब भोग लगेगा उसका। आप उस प्रसादी का भी आप लेना, जो बाबा को बहुत प्रिय थी, वो अपने गले को ठंडा करने के लिए उन्होंने वो प्रसादी पी थी, जो आज वितरण होगी और 3 बजे करीब आप वहाँ आके जरूर मिलें। और इस मंदिर का एक इतिहास भी है, तो वो इतिहास भी आप थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएं। वो हमारे गुरु जी बताएंगे, एक बार आओ ना आप, ये अध्यक्ष जी हैं हमारे। तो मंदिर जो मंदिर की कमेटी के अध्यक्ष जी, अब हम उनसे पूछेंगे कि इस मंदिर का जो इतिहास है वो क्या कुछ रहा है। तो आ रहे हैं, उनसे बात करने की हम कोशिश करते हैं। सर, इस मंदिर का, महादेव झारखंड मंदिर का भी एक इतिहास रहा है, वो इतिहास थोड़ा बताइए। इतिहास इसका 500 वर्ष पुराना है, 5000 वर्ष पुराना मंदिर है। ये बाबा जो शंभू है, जाड़ों में निकली हुई झारखंड नाथ की मूर्ति है। पहले कोई महाराज आए, गोविंद बाबा आए थे, तब सबसे पहले उन्होंने देखा था बाबा को, और ये झाड़ों में बाबा निकले थे। उसके बाद से फिर ट्रस्ट बना, और बाबा के यहाँ जो भी आता है उसकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। और आज 72 साल बाद ये योग बना है, ये जो सावन का आज चल रहा है ना, ये 500 मारे 72 साल पहले आया था और अब आया है। तो जैसा मंदिर की जो ट्रस्ट के अध्यक्ष, उन्होंने बताया कि कोई गोविंद बाबा थे जिनको झाड़ियों में शिव जी की जो है शिवलिंग दिखा था, उसके बाद से ये मंदिर बनाया गया, और ये मंदिर 500 साल से भी ज्यादा पुराना है।